1978 तो लैके 1996 तक जो हिंदुओं के कतलेआम होए अज तक उन्हां परिवारों नूं इंसाफ नहीं मिलिया। हिंदुओं नूं किस तरीके नाल मारिया गया जां किस तरीके नाल उन्हां ते तशद्दद होए उस समय दीआं सरकारां वल्लों जां उस समय कुछ जथेबंदियां वल्लों। हमेशा उस मुद्दे नूं डीरेल करता जांदा जां उस मुद्दे नूं हाईजैक कर लिया जांदा वा और हाईजैक वो बंदे करते हैं कि जेड़े उस मुद्दे को हमेशा ठंडे बस्ते पाने की कोशिश करते हैं। जो तो आवाज़ उठाता कि 35,000 हिंदू कतल हो लेकिन अगों जवाब आता 35,000 छोड़ो 35 दिखा दो कोई प्रूफ दो सानू भी असी यह बंदे मरवाए ने तो पंजाब दे विच असी हिंदू मरवाने हैं या अगे भी असी मरवाते रहेंगे। ये उन्होंने अपने लैटर हैड के उ जिम्मेवारियां चुकिया ने। पंजाब विच 1978 तो लैके 1996 तक जो हिंदुओं के कतलेआम होए अज तक उन्हां परिवारों नूं इंसाफ नहीं मिलिया, जिसके चलते अज हिंदू जथेबंदियों वल्लों पुराना डाटा इकट्ठा किया गया है, न्यूज़पेपर दीआं कटिंग्स इकट्ठियां कीतीआं गईआं ते उन्हां वल्लों हिंदू परिवारों नूं इंसाफ दे लई दुबारा तो संघर्ष जिहड़ा है वह शुरू किया जा रहा है। तो तस्वीर तुहानूं एक बारी दिखा दिंदे आ कि ये कुछ न्यूज़पेपर दीआं कटिंग्स इन्हां दे कोल है जिन्हां दे विच कि खबरां समय 1978 तो लैके 1996 तक जिहड़ियां खबरां प्रकाशित होईयां जिन्हां दे विच हिंदुओं नूं किस तरीके नाल मारिया गया जां किस तरीके नाल उन्हां ते तशद्दद होए उस समय दीआं सरकारां वल्लों जां उस समय कुछ जथेबंदियों वल्लों किस तरीके नाल उन्हां दे कतल कीते गए उस संबंधी हुण इन्हां वल्लों डाटा इकट्ठा किया गया ते एक संघर्ष दुबारा तो शुरू किया जा रहा है। तो साडे नाल विवेक सागर सग्गू जी मौजूद है, गल्लबात करदे आं। सग्गू जी की कहना चाहोगे, पहला तो डाटा जिहड़ा तुसीं इकट्ठा किया है किन्ना का टाइम लग गया इस डाटे नूं इकट्ठा करन जी? सर इहदे विच पिछले करीब 1.5 साल तो पूरी जिहड़ी टीम है इहदे उत्ते काम कर रही है। उहदे विच मैं नहीं कहांगा कि सिर्फ मेरी टीम या मेरे संगठन की टीम है, जिन्हें भी लोग जिहड़े इंसाफ पसंद ने चाहे किते भी पूरे देश दे विच किते भी बैठे ने उन्हां सारयां ने अपने अपने लैवल दे उत्ते मेहनत कीती है अपना स्वार्थ छड़ के। और उन्होंने अपने अपने लैवल के उत्ते जिते जिते जिहड़े फैमिलीज़ जिहड़ियां पीड़ित फैमिलियां सीगियां उन्होंने टच किया वा, उन्होंने को डिटेल ली है और RTI के थ्रू कुछ FIRs दी कापियां कढ़वाइया ने और जो न्यूज़पेपर दी कटिंग सीगियां वो कलैक्ट कीतियां ने। कितना समा लगा इस सारे डाटे नूं कलैक्ट करन लगा? अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल। तुसी कह रहे हो थोड़े को FIR दी कापियां भी है, उस तो अलावा होर भी बहुत सारा डाटा, लेकिन इस समय तुसी सिर्फ न्यूज़पेपर दी कटिंग ही दिखा रहे हो, की कारण है कि हजे डाटा थोड़े कोल पहुंचया नहीं है जां क्यों नहीं हजे शो किया? सर डाटा मेरे कोल इस टाइम सारा वा, जे तुसी कहोगे तो मैं तुहानूं उहदी कॉपी उहदे भी प्रिंट कढ़ के दे दिंदा वा। लेकिन देखो हुंदा की पिआ कि हमेशा जदों हिंदू दे हक दी आवाज़ चुकी जांदी है ना उस मुद्दे नूं साडे कुछ भरावां वल्लों हमेशा मुद्दा चुक्या गया, पहलां वी कई वारी चुक्या गया, कुछ एविडेंस नहीं सीगे उहनां दे कोल उस करके कुछ कमजोरी रहि गई या हमेशा उस मुद्दे नूं डीरेल करता जांदा या उस मुद्दे नूं हाईजैक कर लिया जांदा वा। और हाईजैक वो बंदे करते हैं कि जेडे उस मुद्दे को हमेशा ठंडे बस्ते पाने की कोशिश करते हैं। सो साड़ी कोशिश यह है कि जेडे प्रॉपर एविडेंस ने वो असी जेडी अथॉरिटीज़ ने सिर्फ उन्होंने हैंड ओवर करिए, लाइक जिस तरह गौरमेंट के नुमाइंदे ने जिन्हों के कोलों असी उन्होंने परिवारों कोई उन्होंने बंदा हक दवा सकी। हूँ तक इन्ना समा क्यों लग गया? क्योंकि अगर अमृतसर की गल करिए तो 30 तो वध हिंदू जथेबंदियां काम कर रही हिंदू संगठनों के हिंदू परिवारों के लिए, लेकिन उन्होंने वालों भी समय समय से हिंदू परिवारों इंसाफ दवाने लिए धरने प्रदर्शन किए जाते रहे हैं, लेकिन तुहानू हूँ गल करदा इन्ना समा क्यों लग गया, इन्ने समय बाद ही क्यों डाटा इकट्ठा होया? देखो जिस तरह मैं तुम्हें पहला दस्या कि पहला इस चीज़ के उत्ते असी वर्कआउट ही नहीं कर पाए, कोई जिहड़ी साडी कमजोरी सीगी उहनूं मन्नना चाहिए वै कि उस चीज़ के उत्ते असी किते हमेशा ऐसे जगह पर जाके असी अटक जाते। तुसीं देखिया होना सोशल मीडिया उत्ते ना कई बार गो रिप्लाई आते सीगे कुछ कट्टरवादी लोग कह लो या जिहड़े मतलब कि इस मुद्दे नूं डीरेल करना चाहते सी, जदों असी गल करते सी 35 कोई भी संगठन जिहड़ा हिंदू ना रिलेटिड सीगा जो आवाज़ उठाता कि 35,000 हिंदू कतल होए लेकिन अगों जवाब आता 35,000 छोड़ो 35 दिखा दो कोई प्रूफ दो सानू कुछ दिखा दो भी कितने कोई खबर छपी हो कुछ छपया हो कोई रिपोर्ट हुई हो पुलिस नू। सो उस चीज़ का जोड़ा वो एनकाउंटर सानू हुंदा सी उस चीज़ का रिप्लाई साढ़े को होना बहुत जरूरी सीगा। उस तो बाद कई बंदे कह देंगे कि उस टाइम के उत्ते जी एजेंसियां ने काम किया एजेंसियां ने मरवाया जी,
जबकि साढ़े को भी एविडेंस ने जिदे बल्कि अत्तवादी जथेबंदियों वालों बब्बर खालसा से या खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से उन्होंने वालों जिहड़ियां जिम्मेवारियां चुकियां गईयां उन्होंने लैटर हैड के उत्ते जिहड़ियां अखबारों के भी छपियां और उस टाइम के उत्ते चैनलों के भी जो दूरदर्शन चैनल हुंदा सी उत्ते भी वो खबर आई उन्होंने जिहड़ी जिम्मेवारी वाले पत्र ने वह भी असीं कलैक्ट किए ने जिहदे विच उन्होंने जिम्मेवारियां चुकियां ने भी असी यह बंदे मरवाए ने तो पंजाब दे विचों असी हिंदू मरवाने हैं या अगे भी असी मरवाते रहेंगे ये उन्होंने अपने लैटर हैड के उत्ते जिम्मेवारियां चुकियां ने और देश के जड़े रसूख वाले या जड़े मतलब पूरे विश्वास वाले जड़े नैशनल न्यूज़ चैनल ने या न्यूज़पेपर्स ने उन्होंने सारिया चीज़ा उस टाइम तो भी पब्लिश हुई सी जो सवाल चुके जाते कि तुम डाटा दिखाओ एक सरकार वालों या प्रशासन वालों चुके जाते सोशल मीडिया से ही जो लोग वो चुकते सी देखो वैसे तो सवाल है सोशल मीडिया के उत्ते आते जोड़े विरोधी धिर से वो इस चीज़ को मजाक बना के उन्होंने पेश करते या विरोध करते सरकारां दा दुख सानू यह है कि पंजाब दे अंदर या दिल्ली दे अंदर सेंटर दे विच कोई भी सरकार आई चाहे वह कांग्रेस सी अकाली सी बीजेपी सी किसी भी पोलीटल पार्टी की सरकार आई किसी ने कभी हिंदुओं के एजेंडे अपने मैनीफेस्टो दे विच पाया ही नहीं एक हुंदा कि भी तुसी कम से कम मैनीफेस्टो च ते पाओ पूरा होना ना होना बाद दी गल हर चीज़ नू टाइम लगता असीं भी मनदे आ कि ओवरनाइट कुछ नहीं हुंदा लेकिन अपने मैनीफेस्टो च ते पाओ मैनीफेस्टो च नहीं पा रहे तुसी कभी अपने किसी ईवन के बीजेपी होवे या कांग्रेस होवे या अकाली होवे या आम आदमी पार्टी किसी ने अपने स्टेज तो यह चीज़ नहीं शेयर की या इस लोगों के इस दुख नू कभी मतलब बोलिया नहीं है स्टेज के उत्ते आके कि असीं जिहड़े पंजाब के हिंदुओं का कतल होया या जिहड़े अत्तवाद के दौरान मारे गए ने उन्हां नू असीं इंसाफ देवांगे या उन्हां नू मुआवजा देवांगे वह चीज़ कभी किसी सरकार वालों चुकी नहीं गई तो उन्होंने विरोध की करना सी उहदा हुण मेन मंग की है तुसी पर किन्ने परिवार है किन्ने परिवारों नू हुण तक तुसी मिल चुके जे ते ओह परिवारों दी की मंग है देखो मैं परसनली जिहड़ा परिवारों नू मिलिया वा वह अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 परिवार ने मतलब 20 तुसी लैके चलो जिहड़े नू मैं परसनली मिलिया उस फैमिलीज़ नू बाकी पूरी टीम जिहड़ी है वह 150-200 परिवारों नू टच कर चुकी है साडी कोशिश है कि कोई परिवार रह ना जाए क्योंकि असी देखो जिस तरह मैं पहला भी कहा वा कि हिंदू कभी भी सड़कों के उत्ते आके तोड़ फोड़ अग लाणी या जिस तरह बाकी लोग करते हैं भी धरने लगा दो आम जनता को परेशान करो असी उस हक च नहीं है असी चाहते हैं कि कानून के रस्ते के थ्रू शांतिपूर्वक तरीके मंगा सुनिया जान असी उन्हां परिवारों नू सारयां नू उन्हां दा डाटा कलैक्ट करके और जो असी गवर्नर साहब नू या जिहड़े भी सरकारां दे जिहड़े अधिकारी सानू टाइम देणगे उन्हां नू जदों असी डाटा देंगे वह फैमिली की भी पूरी डिटेल देंगे किहड़ी फैमिली कित्थे बैठी है बकायदा उन्हां दे फोन नंबर उन्हां दे प्रोपर एड्रैस सारा कुछ असी उन्हां नू देंगे कि ज सिर्फ साढ़े कहन के उत्ते ना चीज़ मनी जाए उन्होंने परिवारों को भी तुसी क्रॉस चैकिंग कर सकते हो कि उन्होंने उत्ते किहड़े-किहड़े तशद्दुद होए उस टाइम ते ते उन्होंने परिवारों नू की मुआवजा दवाउण की मंग रखी गई है परिवारों नाल मिले जे परिवारों ने दस्या होएगा कि असी आह मंग करदे आ कि सानू आह मुआवजा मिले देखो जी उन्होंने परिवारों के एक जिहड़े ते नवे यूथ ने उन्होंने तो नहीं पता बट मेरा बचपन सीगा उह टाइम मैं देखिया काफ़ी 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ 40 ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ 25 ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ 50 ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕਣ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ 150-150 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਬਸ ਡਸਟਬੀਨ 'ਚ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਗਨਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਓ ਗਨਮੈਨ ਬਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 84 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗੇ ਔਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
मतलब कि समझ तो बाहर है कि असी किसी धर्म किसी पंथ किसी भी कौम या कम्यूनिटी असी टारगेट नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि भी किसी की लीक छोटी करने वालों बैटर है अपनी वड्डी कर लो। असी अपनी लीक वड्डी कर रहे असी अपने बच्चों से धर्म का प्रचार ही बल्कि धर्म का प्रचार करना भी चुभदा वा। जिहड़ा दिल्ली सिख कतलेआम होया उसनू किस तरीके नाल देखदे जी? देखो जी जिहड़ा दिल्ली के अंदर 84 च कतलेआम होया सीगा असी बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ हाँ, क्योंकि वो एक जो भी होया सीगा माड़ी घटना हुई ब्लू स्टार ऑपरेशन होया असी उहदी भी निंदा करते हाँ, लेकिन गल हैगी है कि जो भी उस टाइम के उत्ते हालात बने उन्होंने निर्दोष सिखा उत्ते घरों कढ़ कढ़ के जिस तरीके मारिया गया असी उस चीज़ के बिल्कुल हक च नहीं है, क्योंकि सानू किस क्योंकि सिख पंथ कोई बाहर का पंथ नहीं है, वो भी साडा ही हिस्सा है साडा ही परिवार है। लेकिन तरीका जिहड़ा उन्हां दा सीगा उस चीज़ उत्ते विरोध करन दा इंदिरा गांधी दे विरोध दा जिहड़ा तरीका सीगा हुण वो किन्ने कीता वो कोई पोलीटिकल गेम सीगी या की सीगी उस चीज़ दे विच मैं जाना नहीं चाहुंदा, क्योंकि साडा मेन मोटिव जिहड़ा वा कि अपने जिहड़ा समाज नूं अपने हिंदू समाज नूं जिहड़े उस टाइम दे उत्ते पीड़ित परिवार ने उहनां नूं इंसाफ दिवाउणा। अगर भाजपा की गल करिए तो भाजपा हिंदू हिंदुत्व की बहुत वधिया तरीके नाल गलबात करती जा रही है, अगों 2024 दे इलैक्शन भी नज़दीक आते जा रहे हैं कि लगता है कि उत्थों तक भी आवाज़ पहुँचानी जरूरी है? देखो बिल्कुल उतों तक आवाज़ जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट लैवल दे उत्ते शायद मैं ना सरकारां कोलों इन्नी उम्मीद ना रखा, क्योंकि गिनती बहुत ज़्यादा सो स्टेट का भी एक लिमिट हुंदी है कुछ भी काम करन दी। स्टेट मैं नहीं कह रहा कि वो करना नहीं चाह रहे, वो तो टाइम दसेगा कि वो करना चाह रहे ने कि नहीं चाह रहे, लेकिन एक लिमिट हुंदी है स्टेट की ना। सेंटर दे कोल खजाना, सेंटर हर चीज़ के उत्ते कितना कितने उन्होंने एडजस्टमेंट करवा सकती, चाहे नौकरियां च करानियां या मुआवजे च करानियां या जिस भी रूप दे विच करवानी है। सो सेंटर गवर्नमेंट नूं असी प्रोपर नाल दी नाल पूरी डिटेल असी भेजांगे, गवर्नर साहब नूं मिलन दा मकसद साडा इही है कि जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट दे कोल वी आ डिमांड जावे और स्टेट गवर्नमेंट दे कोल वी आ डिमांड जावे, ताकि दोवें सरकारां मिल के आपस दे विच ट्यूनिंग करके जिन्ना जल्दी हो सकता वा हिंदू समाज दे जिहड़े पीड़ित परिवार ने उन्हां नूं इंसाफ दे सकन। जी बिल्कुल, तो इंसाफ दिवाने लिए जिहड़ा हिंदू जथेबंदियां हुण अग्गे आईयां ने, तो विवेक सागर सग्गू सी जिन्हां नाल गलबात कीती, तो हुण उन्होंने जिहड़ियां पेपर्स दीआं कटिंग्स दिखाइयां, कहिंदे नैशनल न्यूज़पेपर दीआं कटिंग्स है जिन्हां दे विच हिंदू दे जिहड़े कतल होण दीआं जिहड़ियां खबरां वो लगियां सी, क्योंकि डाटा नहीं सी मिल पा रहा बहुत समय तो, डाटे की प्रॉब्लम सी कि किन्ने परिवार है कि किस तरीके नाल कतल होया, तो वह डाटा हुण उन्हां नूं मिल चुका है, तो हुण इस संबंधी वह गवर्नर नूं जिहड़ा है वह जरूर मिलणगे, तो गवर्नर नूं मिल के इन्हां हिंदू परिवारां नूं इंसाफ दिवाउण दी जिहड़ी है कोशिश है वह की जाएगी। दूसरे पास उन्हां दा कहना है कि 2024 दे चुनाव नज़दीक आउंदे आ, तो उसके चलते भी वह भाजपा के उम्मीदवारां नाल भी मुलाकात जरूर करनगे तां जो कि हिंदुआं दी आवाज़ बुलंद की जा सके। हुण देखना यह होगा कि किन्ना क समा लगता है हिंदुआं की आवाज़ बुलंद हुंदी है जां फिर यह फाइलां जिहड़ियां दबियां दियां दबियां रह जाणगियां। कैमरामैन प्रदीप दे नाल मुकेश महरा, ग्लोबल पंजाब TV अमृतसर। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब TV नूं, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते, नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।